हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको सूर्य सप्तमी यानी रथ सप्तमी की पूजा विधि सिखाने वाली हूँ। इस दिन आपको सूर्य देव की पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। कोशिश करके जैसे ही सूर्य देव उग जाए तुरंत ही आप पूजा करने की कोशिश करें जैसे ही आपको मौका मिले। तो देखिए, तांबे का लोटा लेंगे। आज के दिन गंगा जल से अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को, तो मतलब ज़्यादा गंगा जल अवेलेबल ना हो तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर सादा जल भर लें उसमें। तो ये देखिए, कोशिश करके तांबे का ही लोटा लें क्योंकि सूर्य देव को तांबे के लोटे से ही जल दिया जाता है। उसमें लाल चंदन डालें, तिल डालें, गुड़ डालें और कुछ लाल गुलाब की पत्तियाँ। लाल चंदन ना हो तो लाल रोली भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अब इन सभी सामानों के साथ हम सूर्य देव की पूजा करेंगे। अब हम जहाँ अर्घ देंगे वहाँ नीचे पौधे ही हैं, तो डायरेक्ट वो जो जल है वो पौधों में ही जाएगा। बट अगर आपके वहाँ बिल्डिंग्स हो या मतलब अच्छी साफ जगह ना हो तो आप कोई परात या कोई बर्तन में थाली में अर्घ दें, क्योंकि अर्घ का पानी पैरों में नहीं आना चाहिए। तो अब हमारी विधि स्टार्ट करते हैं पूजा की। जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान को साफ करें। अगर ऐसे आपकी मुंडेरी ना हो तो आप पाटा रख सकते हैं। तो फिर सबसे पहले सूर्य देव को लाल चंदन यानी कि लाल रोली भी आप ले सकते हैं, वो चढ़ाएं, उसे वहीं पे आप रख दें। अक्षत यानी कि चावल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को हम मोली चढ़ाएंगे। तो जो जो आप चढ़ाते जा रहे हैं सूर्य देव को बोलें हम आपको चढ़ा रहे हैं, और सूर्य देव को चढ़ाकर आप वहीं पर रख दें। इसके बाद आप जनेऊ जरूर से सूर्य देव को चढ़ाएं। अगर मार्केट से आप प्रॉपर जनेऊ ला पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उस पर आप लाल चंदन लगा के उसे लगा दें। या फिर भगवान जी के लिए आप कच्चे सूत को हाथ पे 7 बार लपेट कर उसे भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए, जनेऊ चढ़ाएंगे। इसके बाद हम सूर्य देव को फूल चढ़ाएंगे। लाल फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी फूल हो वो फूल आप लें। इसके बाद हमें अर्घ देना है। आप ओम सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ दें। ये देखिए, भगवान को अर्घ देंगे। आपकी जो भी मनोकामना हो वो मांगे। इस दिन रथ सप्तमी भी बोला जाता है इस दिन को, तो रथ की भी विशेष पूजा करी जाती है, उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। साथ ही साथ अर्घ देने के बाद आपको 3 परिक्रमा जरूर से करनी है। जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर आप कर लें। इसके बाद सूर्य देव को खीर का प्रसाद और जल जरूर से चढ़ाएं। आरती भी करें आप इसके बाद, 40 पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ें। सूर्य सप्तमी की और रथ सप्तमी की कहानी पढ़ें, दोनों की एक ही कहानी होती है। और जो हमने प्रसाद चढ़ाया है खीर का, उसे आप एक दोने पर या पान के पत्ते पर करकर सूर्य देव को चढ़ाकर वहीं पे आ जाएं, और बची हुई जो खीर है उसे आप सभी घर वाले प्रसाद के रूप में खा लें। साथ ही साथ जो जल होगा उसे अगर आपने चिड़ियों का कोई बर्तन भर के रखा हो जल का, उसमें डाल दें, या फिर आप पौधों में डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपकी सूर्य सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।